हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गूगल टीवी ऐप के बारे में बताऊंगा। गूगल टीवी ऐप आपके जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उससे आप क्या है कि अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एमआई बॉक्स है, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एज ए रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप उसमें इजीली सर्च कर सकते हैं, कंटेंट है आपको, जैसे मोबाइल से आप टाइप करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेफ्ट और राइट जाके आपको टाइप करना पड़ता है, उसमें आप इजीली मोबाइल में टाइप कर सकते हैं कंटेंट को और उसमें सर्च कर सकते हैं टीवी में। इसके अलावा दोस्तों, जो गूगल टीवी ऐप है उसमें आपका जो भी मल्टीपल एप्लीकेशन के कंटेंट है एक ही जगह आपको शो हो जाएंगे, जैसे आपकी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सबके कंटेंट एक जगह शो हो जाएंगे और आपको रिकमेंडेशन भी शो होते रहेंगे एज पर ट्रेंडिंग कंटेंट है या न्यू जो टीवी शो है, सीरीज है या फिर मूवीज आती हैं, आपको वहीं पर शो हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, जो आपको कंटेंट पसंद है और बाद में देखना है उसको आप वॉच लिस्ट में सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ गूगल टीवी जो नाम रखा है इससे कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड टीवी का लेटेस्ट, उसका नाम भी गूगल ने गूगल टीवी रखा है। वो क्या है कि एक लॉन्चर या कस्टम स्कीम की तरह बोल सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक कस्टम स्कीम मिलती है, उसमें भी आपको ब्राउजिंग थोड़ा ईजी हो गया है, उसमें जो लेटेस्ट कंटेंट आप इजीली देख सकते हैं होम स्क्रीन पर और सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये गूगल टीवी ऐप है, ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है आपका एंड्रॉयड टीवी या फिर एमआई एंड्रॉयड बॉक्स या फिर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स से ऐसी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ गूगल टीवी ऐप को आपको कैसे मोबाइल में यूज़ करना है और उसे आप कैसे अपने टीवी के रिमोट की तरह मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको गूगल टीवी ऐप यहाँ पर मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे गूगल टीवी तो ये वाली एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ओपन कर लेते हैं इसको यहाँ से। आईफोन में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी अवेलेबल है ये। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं नीचे एक टीवी नियर बाई का एक आइकन शो हो रहा है। आपका जो एंड्रॉयड टीवी है या फिर एमआई एंड्रॉयड बॉक्स है या फिर कोई और एंड्रॉयड बॉक्स है, सेम ही वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए जिसमें आपका टीवी है और मोबाइल है। तो यहाँ से इसको टच करते हैं कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिवाइस हो जाएगी जो कि अवेलेबल है, सेम वाईफाई नेटवर्क में टच करते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों, आपको टीवी पे एक कोड शो होगा, वो कोड आपको एंटर करना है यहाँ पे। जैसे ये वाला कोड एंटर करते हैं 7BD OAB OAB पेयर, इसको पेयर करते हैं तो आपका दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पेयर हो गया टीवी। अब आप इसको रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे टच करता हूँ मैं, रिमोट का आइकन है तो आपको ये रिमोट शो हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका जो टीवी का रिमोट है ऐसे ही शो होगा। लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, इससे भी आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, सेम ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हैं आप, ऐसे ही रिमोट की तरह करते हैं। इसका होम बटन भी आ गया इसमें, इसका बैक बटन भी है और आवाज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे ये आवाज़ में कम हो गई, ज़्यादा हो गई। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहे तो इसको म्यूट भी कर सकते हैं, यहाँ से म्यूट कर दिया मैंने। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन भी एक शो हो रहा है, तो सीधे चाहे तो यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा थ्री डॉट्स यहाँ टैप करेंगे तो स्वाइप कंट्रोल, डी पैड कंट्रोल, तो दूसरा टाइप का स्वाइप टाइप का एक आपका ये बन जाएगा इसमें रिमोट, तो ये डी पैड वाला ही ठीक लग रहा था मुझे। तो ये इस तरीके से रिमोट के फीचर है। अब दोस्तों, जैसे कुछ आपको सर्च करना है तो सीधे आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर में कोई ऐप सर्च करनी है मुझे, यहाँ गए गूगल प्ले स्टोर में, इसके बाद में ऊपर गए यहाँ ऐप्स में कुछ सर्च करना है मुझे, तो आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल का यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो गया है, तो यहाँ से मैं टाइप करके सर्च कर सकता हूँ एप्लीकेशंस को। तो मैंने सर्च कर लिया, जैसे वॉचो टीवी ऐप मुझे सर्च करनी है, सर्च होगी। अब बैक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको ये रिमोट का जो आइकन है इसी को टच करना है, नहीं तो आपको बैक का यहाँ कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा। जैसे इसको टच करते हैं, अब देख सकते हैं वापस रिमोट आ गया, इससे बैक करते हैं, ये बैक हो गया। अब आप अपनी ऐप को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐप सेलेक्ट की, ये मैंने यहाँ से ऐप सेलेक्ट कर ली। दोस्तों, इसके अलावा एक इसमें वॉच लिस्ट का एक फीचर है, आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट है, तो आप चाहे तो कोई मूवी या फिर आपका टीवी शो पसंद आ रहा है तो उसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आदि पुरुष है, जैसे इसमें एक वॉच लिस्ट का एक आइकन यहाँ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो वॉच लिस्ट पर टच करता हूँ यहाँ पे, तो सीधा आपका ये ऐड हो जाएगा वॉच लिस्ट में। तो इसको होम में जाके आप देख सकते हैं, ये वॉच लिस्ट का आइकन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मूवीज़ या टीवी शो है वो जो वॉच लिस्ट में आपने ऐड किया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, तो इजीली इनको आपको बाद में देख सकते हैं। और होम स्क्रीन है, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंटेंट आपके शो हो रहे हैं, आपका सोनी लिव के कंटेंट है, हॉटस्टार है, इसके अलावा आपका जो जियो सिनेमा है और G5 है, प्राइम वीडियो है, तो इस तरीके से सभी कंटेंट यहाँ शो हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका टीवी है इसे कनेक्टेड है गूगल टीवी ऐप से, तो सीधे कंटेंट आप टीवी में वॉच कर सकते हैं।
जैसे कोई कंटेंट यहाँ से सर्च करते हैं, जैसे आदि पुरुष है ये, तो इसमें दो ऑप्शन आपको शो होंगे, वॉच ऑन टीवी, वॉच ऑन फोन। तो इसको वॉच ऑन टीवी सेलेक्ट करेंगे तो टीवी में कंटेंट प्ले होगा, और वॉच ऑन फोन करेंगे तो फोन में प्ले होगा। तो वॉच ऑन टीवी पे टच करते हैं यहाँ से, तो आपका जो है कंटेंट है टीवी पे प्ले होना चालू हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन है आपके टीवी में या एंड्रॉइड टीवी बॉक्स में इंस्टॉल होनी चाहिए ऑलरेडी, नहीं तो कंटेंट प्ले नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मूवी प्ले हो गई यहाँ पे आदि पुरुष। तो इस तरीके से आप सीधे इससे चाहे तो कंटेंट मोबाइल से प्ले कर सकते हैं। तो आपको एक तरीके से काफ़ी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका, मोबाइल टीवी ऐप के थ्रू आपको अपना टीवी कंट्रोल करने के लिए गूगल टीवी ऐप के थ्रू। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको गूगल टीवी ऐप के बारे में बताया और डिफरेंट उसके फीचर भी यूज़ करके बताया आपको, कैसे आप अपने मोबाइल को टीवी के रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट को सीधे प्ले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।